नीटिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज मैं आपके लिए डबल कलर का ये पैटर्न लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। ये आप कार्डिगन में डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। ये इसका राइट साइड है और ये इसका रॉन्ग साइड है। ये देखिए इस तरीके से ये जो डिज़ाइन जो है हमारा उभरा हुआ डिज़ाइन जो है वो दिखाई देगा, ये देखिए। और इस पैटर्न को बनाने के लिए जो है हमने 4 मल्टीपल + 2 फंदे हमने लेने हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब देखिए इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं सेम ऐसे ही बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद ही जो है आपने जो भी आप कलर जो लगाना चाहते हैं बेस कलर, जैसे ये मेरा क्रीम कलर है, तो आप जो है इसको इसी से ही पहली जो सिलाई होगी बॉर्डर बनाने के बाद फर्स्ट रो जो होगी हमारी सीधी बनेगी। ये देखिए ये सभी फंदे जो है हमने सीधे बनाने हैं, फर्स्ट रो हमारी ये इस तरीके से बनेगी। ये जो वाइट हमारा ये जो बना हुआ डिज़ाइन है आप इस पर ध्यान नहीं देना, आप जैसे बॉर्डर बनाएंगे बॉर्डर बनाने के बाद ही आप इस डिज़ाइन को ऐसे ही सीधी सिलाई जो है पहले निकालेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो हो गई जिसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है जिसमें हमने सभी फंदे सीधे बनाए। अब आएंगे रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में ये देखिए हमने क्या करना है, ये हमारी सेकंड रो है, सेकंड रो में हमने उल्टी साइड से हमने सभी फंदे सीधे बनाने हैं। ये देखिए तब हम उल्टी साइड से सीधी सिलाई बनाते हैं तो पीछे राइट साइड में जो है हमारे फंदे उल्टे दिखाई देते हैं। जैसे हम उल्टा बनाते हैं सेम ऐसे ही ये देखिए इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा, ये ऐसे। तो आपने जो है उल्टी साइड से सीधे बनाते हुए इस सिलाई को सेकंड रो को कंप्लीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड रो हमने कंप्लीट कर ली है, उल्टी साइड से हमने सीधे फंदे बनाते हुए अपनी इसको रो को कंप्लीट किया। अब आएंगे थर्ड रो पर। थर्ड रो पर जो है हम अपने धागे को चेंज करेंगे, हम ये कलर लगाएंगे। अब इसको देखिए क्या करना है हमने इसे बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए ये देखिए हमारे जो है ये एज फंदा आप इसको बना लीजिए या इसको ऐसे छोड़ दीजिए। तो दो फंदे तो हैं आपने सीधे बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होगा, तो एक फंदा जो है हम इसको सीधा बनाएंगे, यानी तीन फंदे जो हैं मैंने सीधे बनाए। सीधे बनाने के बाद जो है अब इस फंदे पर हमने एक सीधा बनाया, अभी निकालेंगे नहीं, धागे को हम अपनी साइड करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागे को अपनी साइड करेंगे और एक फंदा फिर हम सीधा बनाएंगे। यानी ये जो फंदे हमारे एक फंदे में से हमने 5 फंदे बनाए हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 फंदे हमने बनाए। अब उसके बाद एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब ये वाला जो है फंदा इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर इस फंदे को हम 5 बार बनाएंगे, एक धागा अपनी साइड, एक फंदा बनाया, एक बनाया हमने फंदा, उसके बाद इसको धागे को घुमाएंगे तो ये हमारे 2 हो गए। अब ये जो बनेगा ये हमारे 3 फंदे हो गए, धागे को घुमाएंगे ये हमारा 4 हो जाएगा और इसको हम फिर से बनाएंगे तो ये हमारे 5 फंदे ये हमारे हो गए। ये देखिए, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 फंदे हमने इसमें बनाए। अब ये वाला फंदा हमने सीधा बनाया और इसको हमने उतार दिया, मतलब हमने क्या करना है कि एक फंदा हम बनाएंगे सीधा, दूसरे फंदे पर हम 5 बार धागा लपेटकर बनाएंगे और इस फंदे को भी हम सीधा बनाएंगे। यानी 3 फंदों पर हमने ये डिज़ाइन बनाया। उसके बाद जब नेक्स्ट करेंगे स्टार्ट तो इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे, फिर नेक्स्ट ऐसे ही स्टार्ट होगा। ये देखिए जैसे हमने अब ये सीधा बनाया, फिर इसके बाद हम 5 फंदे बनाएंगे, एक में से ही 2 बार धागा जो है वो आगे कर जो है फंदे बनाते हैं तो ये हमारे 5 फंदे पूरे हो जाते हैं। फिर एक फंदा हमने सीधा किया, यानी एक सीधा किया, फिर हमने 5 किए और फिर हमने सीधा किया और इस फंदे को हमने उतार लेना है, फिर सीधा बनेगा, ऐसे ही 5 बनेंगे। तो ये जो है थर्ड रो हमारी सीधी साइड ये इसी तरीके से कंप्लीट होगी, तो जिसको मैं पूरा कर लेती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली रो भी हमारी थर्ड रो कंप्लीट होने वाली है। एक बार मैं आपको बता दूं फिर से, ताकि आपको फंदे जो है बार बार गिनने ना पड़े। तो ये देखिए, आप एक सीधा बनाएंगे इस तरीके से, धागे को अपनी साइड करेंगे, और ये मैंने धागा एक बार किया, अब इसको मैंने एक इधर किया, फिर मैंने धागा दूसरी बार किया। तब हम दो बार धागा अपनी साइड कर कर फंदों को बनाते हैं, तो हमारे ये पांच फंदे जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इस तरीके से हम सीधा बनाएंगे, इसको उतारेंगे और दो फंदों को हम फिर ऐसे ही सीधा बना देंगे। तो थर्ड रो जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आएंगे हमारी फोर्थ रो। फोर्थ रो उल्टी साइड है। अब ये देखिए, इसमें हमने क्या करना है, ये वाले जो फंदे हैं हमने उल्टे ही बना लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई में हमने क्या करना है, ये जो दो फंदे हमने सीधे बनाए थे इसको हमने उल्टा बना लिया है। ये हमारे आज फंदे थे। अब ये जो है, इस फंदे को जो हमने उतारा था, इसको हमने उतारना ही है सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। अब ये जो देखिए, जो ये पांच फंदे हैं जो हमने धागा लपेट कर बनाए, और ये दो फंदे जो हैं ये हमने सीधे बनाए थे, ये यहाँ पर। तो अब ये जो है, ये हमने जो है इस फंदे को उल्टा बनाना है ऐसे। अब धागे को हम ऐसे करेंगे पीछे की साइड, अब आगे की साइड, और अब ये जो पांच फंदे जो हमने बनाए हैं, इन फंदों को हम सीधा बनाएंगे ये इस तरीके से। तो ये पांच फंदे हमारे होंगे, दो बन गए, ये दो हो गए, तीन, चार और ये पांच। पांच फंदे जो मैंने सीधे बनाए, सीधे यहाँ से बने, तो यहाँ पर जो है हमारा फंदे जो है उल्टे दिखाई देते हैं। तो अब ये धागे अपनी साइड करेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। जो फंदा हमने उतारा है इसको उतारना ही है। अब ये फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, धागे को हम आगे करेंगे, और ये जो है फंदे हम उल्टी साइड से सीधे बनाएंगे। तो ये वन, ये टू, थ्री, फोर और ये फाइव, ये हो गए। अब उसके बाद जो है धागे को हम अपनी साइड करेंगे, इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, फिर जो उतारने वाले धागे को ऐसे ही उतारना है फंदे को, फिर ये वाले फंदे को हमने बुनना है उल्टा, फिर आगे की साइड, फिर इन फंदों को हमने सीधा बुनना है। पांच फंदे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच फंदे हमने इनको सीधा बुना। सीधा बुना तो हमने यहाँ पर ये उल्टा दिखाई देता है। धागे को अपनी साइड करेंगे और इस फंदे को उल्टा बनाएंगे। ऐसे ही जो है अपनी इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। इसको उतारेंगे, इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, धागे को हम ऐसे करेंगे, और ये जो है हम पांच फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए, ये पांच फंदे हमने सीधे बना लिए। धागे को अपनी साइड करेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। उतारे फंदे को उतारना है। इस रो को हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है उल्टी साइड से। ये देखिए, फोर्थ रो जो है हमारी उल्टी साइड से ये कंप्लीट हो चुकी है। अब आएंगे फिफ्थ रो पर। फिफ्थ रो में भी हमने अभी यही वाला धागा यूज करना है। दो फंदे हमने सीधे बनाने थे, ये सीधे ही बनेंगे। ये तीसरा फंदा जो हमारा सीधा फंदा, ये वही फंदा है जो हम डिजाइन से पहले और बाद में जो फंदे डाले हैं, ये दो फंदे, ये वो वाला फंदा है हमारा। इसको भी हम सीधा ही बनाएंगे। अब धागे को आगे करेंगे और इसको उल्टा बनाएंगे। जो ये पांच फंदे थे ये हमने उल्टे बनाने हैं इस साइड से। ये पांच फंदे हमने उल्टे बनाए। ये वाला फंदा हमारे को सीधा दिखाई दे रहा है, इस फंदे को हमने सीधा ही बनाना है। इस फंदे को हमने उतारना है। फिर ये देखिए, ये सीधा फंदा है, सीधा दिख रहा है, इसको सीधा ही बनाना है। ये पांच फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। ये पांच फंदे हमने उल्टे बनाए, धागे को पीछे करेंगे और ये फंदा हमने सीधा बनाया, इस फंदे को उतार लेंगे। ये देखिए, पांच फंदों से पहले एक फंदा सीधा, पांच फंदों से बाद में भी एक फंदा सीधा आएगा। तो इन दोनों को हमने सीधा बनाना है, बीच वाले पांच फंदे हमने उल्टे बनाने हैं और इस फंदे को हमने ऐसे ही उतारना है। तो इस रो को भी, फिफ्थ रो को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ रो जो है हमारी कंप्लीट हो गई है सीधी साइड से। अब आएंगे सिक्स्थ रो पर। सिक्स्थ रो उल्टी साइड से। ये दो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, जो हमारे उस साइड में सीधे थे ये फंदे हमारे यहाँ पर उल्टे बने। ये फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे और ये फंदा जो है हम उल्टा बनाएंगे। जो ये पांच फंदों से पहले फंदा था सीधा था, यहाँ पर ये फंदा उल्टा बनाएंगे। धागे को आप पीछे की साइड करेंगे। अब ये जो हमारे पांच फंदे हैं, ये देखिए, और
और ये पांच फंदे हो गए। ये पांच फंदे जो हैं हम राइट वाली सिलाई पर लेंगे और इसको पीछे की साइड से ऐसे और इसको सीधा बुन देंगे, ये ऐसे निकाल देंगे इसको। और इसको अब ये पांचों फंदे जो हैं हम इनको निकाल देंगे, ये देखिए। फिर धागे को अपनी साइड करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे ही उल्टा बना लेंगे। फिर ये फंदे को हम उतारेंगे, धागे को पीछे करेंगे, सॉरी इस फंदे को तो हम ऐसे ही उल्टा बनाएंगे, फिर धागे को आगे की तरफ करेंगे और इन फंदों को जो है पांच फंदे जो हैं हम एक साथ लेंगे। ये पांच फंदे हम एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए इन्हें पीछे की साइड से सीधा बनाना है, ये इस तरीके से, ये ऐसे। ये फंदा आ गया हमारा एक। अब इन पांच फंदों को जो है हम निकाल देंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे और इस फंदे को हम उल्टा ही बना देंगे। फिर इस फंदे को हम लेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे की साइड करेंगे, पांच फंदे हम एक साथ लेंगे, ये देखिए ये पांच फंदे हो गए। पांच फंदों को पीछे की साइड से हमने सीधा बनाना है, ये देखिए ऐसे। और अब ये पांच फंदे जो है हम निकाल देंगे और अब ये वाले फंदे को धागे आगे करेंगे, अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बना देंगे और इसको हम उतार देंगे। फिर ये फंदा उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे और पांच फंदे हम एक साथ लेंगे, ये देखिए। अब इन पांच फंदों में से हम इसका एक बना देंगे, यानी एक फंदों में से हमने पहले जब स्टार्ट किया था डिज़ाइन बनाना तो एक में से हमने पांच बनाए थे, अब जो है पांच में से हम इस फंदे को एक बना देंगे। ये हमारा जो है डिज़ाइन इसी तरीके से बनेगा। ये एक फंदा रह गया है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। में आपको ध्यान रखना है, उतारे फंदे हमने उतारने हैं, उल्टी साइड से बना रहे हैं हम। अब ये जो पांच फंदों से पहले एक फंदा हमारा सीधा फंदा था उस साइड में, इस फंदे को हमने उल्टा बनाना है, धागे को हम पीछे की साइड करेंगे। अब पांच फंदे हम एक साथ लेंगे, ये दो हो गए, तीन, चार और पाँच। ये पाँच फंदे जो है हमने एक साथ लेने हैं राइट वाले सिलाई पर, ये देखिए पाँच फंदे हमने लिए। लेने के बाद जो है पीछे की साइड से इन फंदों को हम जो पाँच का जो है एक बना देंगे। तब हमने डिज़ाइन स्टार्ट किया था तो एक फंदे में से हमने पाँच बनाए थे, अब यहाँ पर हम पाँच फंदों को निकाल देंगे और एक फंदा हमने इसमें बना लिया। तो हमारे फंदे जो ज़्यादा हुए थे वो यहाँ पर फंदे हमारे पूरे हो गए हैं। अब धागा अपनी साइड करेंगे और एक फंदा जो है हम उल्टा बना लेंगे। इसी तरीके से जो ये हमारी रो है इस पूरी होगी, ये हमारी सिक्स रो है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमारी उल्टी साइड से कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है ये डिज़ाइन जो है हमने यहाँ से स्टार्ट किया था बनाना, ये डिज़ाइन जो है हमारा ऐसे ये बन चुका है। अब उसके बाद हम इसमें कलर चेंज करेंगे, ये देखिए। अब हम ये क्रीम कलर लगाएंगे। इसमें जो है ये दो फंदे हमारे एज फंदे थे, इसको हमने सीधा बनाना है, ये देखिए ये भी सीधा। अब जो हमारे ये पांच फंदे जो हमने बनाए थे ये भी सीधे, और जो फंदे हमने उतारे थे ये फंदे भी हमने सीधे ही बनाने हैं, ये देखिए। जैसे हमने स्टार्ट किया था सेम वही आ गया है, ये फंदे भी सीधे, मतलब ये वाली रो जो है हमने सीधी ही बनानी है। क्रीम कलर का धागा अपना जो भी बेस कलर आप लगाएंगे उससे जो है आपने इस रो को भी सीधा ही बनाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी सिलाई हमने इसको बना ली है सभी फंदे सीधे बनाते हुए। अब आएंगे उल्टी रो पर। उल्टी रो पर हमने जो क्या करना है, उल्टी साइड से हमने सभी फंदे जो है सीधे बनाने हैं, ये देखिए। जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था सेम वैसा ही आ गया है, ये देखिए। तो ये वाली रो भी जो है हम कंप्लीट कर लेंगे उल्टी साइड से सीधा बनाते हुए। बेस कलर आप लगाएंगे और इस सिलाई को भी आप जो है कंप्लीट कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन जो है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था सेम जो है यहाँ पर हम जो अब स्टार्ट कर सकते हैं अपने इस डिज़ाइन को, जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था ऐसे ही। जैसे दो फंदे हमारे एज फंदे जो है ले लिए मैंने, उसके बाद इस वाले फंदे को भी हमने सीधा बनाना है, ये डिज़ाइन के साथ था। और इस फंदे पर पाँच फंदे बनाने हैं, फिर ये सीधा बनाना है, इसको उतारना है, ये वाला सीधा बनाना है, इस पर पांच, इस पर, ऐसी तरीके से पूरी जो है हमारी रो कंप्लीट होगी और आपका डिज़ाइन जो है ये बनता चला जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन ये लगता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।